हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26th नंबर से जो क्वेश्चन आपका रह गया था, टॉप 100 क्वेश्चन हम करवाने वाले थे, तो उसी सिलसिले में ये थर्ड वीडियो है आपका। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जरूर जाके देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट लाने का। ठीक है, तो इसी सिलसिले में चलते हैं अपने 26th नंबर के क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में नए कितने वेटलैंड को रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 नए ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि कहाँ पे रामसर साइट्स में इंक्लूड किए गए हैं। रामसर साइट, अब रामसर आप सोचोगे क्या होता है, रामसर एक जगह का नाम है, कहाँ पे है ये, ईरान में है ये रामसर। ठीक है, और ये बेसिकली जो वेटलैंड्स होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब रामसर साइट्स में इनको इंक्लूड कर लिया जाता है, जिससे कि स्पेशल प्रोटेक्शन इसको दिया जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक 42 रामसर साइट्स थी, अब कितनी हो गई हैं, 42 प्लस 4 दैट इज 46 रामसर साइट्स अब इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, रामसर साइट्स कुछ ऐसा होता है, वेटलैंड्स जो होते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, फ्लोरा फौना जो होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अनाउंस किया था कि किस अगस्त को, अगस्त के कौन से डेट को पार्टीशन हॉरर्स रेमेम्बरेंस डे मनाया के रूप में इसको इंडिया में सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 14 अगस्त को हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 14 अगस्त को हम आप जानते हैं 14 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, इसलिए ये डे मनाया जाएगा। द इंडियन ट्राइकलर स्टैंड टॉल एट डैश द हाइएस्ट पीक ऑफ रशिया। तो हाइएस्ट पीक रशिया की कौन सी है जिसपे इंडिया का तिरंगा फहराया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माउंट एल्ब्रुस। क्यों भैया ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 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 ये 15th ऑफ अगस्त को माउंट एल्ब्रुस पे हमारे इंडियंस की कुछ ग्रुप ने यहाँ पे चढ़ाई करके झंडा लहराया था, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात आती है हाईएस्ट, हाँ, जो माउंटेनियर थी जिसमें लीडर थी उनका नाम था शीतल, ठीक है, शीतल याद रखिएगा। और अब बात आती है हाईएस्ट पीक की, तो हाईएस्ट पीक अब सबसे अगर एशिया की देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, K2, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए यूरोप का, तो यूरोप का माउंट एल्ब्रुस हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं अफ्रीका का, तो यहाँ पे माउंट किलिमंजारो हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात आती है, तो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक देनाली, ठीक है, देनाली जो कि माउंट मैकेनले के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, माउंट मैकेनले के नाम से जानी जाती थी। और साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन है, माउंट अकॉन्कागुआ, माउंट अकॉन्कागुआ। इसके बाद अंटार्कटिका की बात आ जाती है, तो अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट विंसन मैसिफ हो जाती है, इतना आपको याद रखना है। अब माउंट एल्ब्रुस रशिया में जो है, रशिया आपको पता है यूरोप में है, और रशिया में ये माउंट एल्ब्रुस हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है आपको देखने को मिलती है। चलिए रशिया घुमा के ले आते हैं, तो रशिया में ये देख लीजिए, बेसिकली ये ऐसे ही हमारे इंडिया का कुछ झंडा फ्लैग हॉइस्ट किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए रशिया की बात आती है, तो रशिया की कैपिटल मॉस्को हो जाएगी। रशिया और इंडिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो इंद्र एक्सरसाइज होती है। और अभी रशिया और इंडिया ने मिलके एक ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक क्रूज मिसाइल है, ये रशिया ने इंडिया को दिया था। फिर इंडिया ने किसको दिया, आप बताएंगे या मैं बताऊं, चलिए मैं बताती हूँ, इंडिया ने फिलीपींस को दिया है, तो ये भी याद रखिएगा, इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, चलिए मैप के पोर्शन में देख लेते हैं, मैप का पोर्शन, ये यूरोप का मैप है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और इसके बाद यहाँ पे डेनमार्क, इन
चारों को मिला के क्या कहा जाता है, इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। और जब इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आइसलैंड भी मिल जाती है आपकी, तो ये मिला के क्या हो जाता है, नॉर्डिक कंट्री आपकी बन जाती है। अगर आपसे पूछे नॉर्डिक कंट्री, तो इसमें 5 देश आपके आएंगे, और अगर आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री पूछी जाए तो 4 देश आएंगे, ठीक है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को क्यों बोली जाती है, क्योंकि ये इसके आसपास में, मतलब यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज फैला हुआ है, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कही जाती है। इसके बाद आपसे बहुत पूछा जाता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी में कि बाल्टिक कंट्रीज कौन सी होती हैं, बाल्टिक कंट्रीज कौन सी होती हैं, तो आप कहोगे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया, लिथुआनिया, ये आपको 3 नाम याद रखना है, इसको बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो बेनेक्स कंट्रीज के नाम से कौन कौन सी कंट्रीज जानी जाती हैं, बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग, यहाँ पे लोकेशन नहीं दी हुई है, और तीसरी क्या है, लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग, इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको, यहाँ पे ये तीनों जो कंट्रीज हैं इसको बेनेक्स कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एंडोरा जो कंट्री है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एंडोरा जो कंट्री है वो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलती है, एक छोटू सी कंट्री है, ठीक है, आपको छोटू सी कंट्री आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद फ्रांस में ही लियोन नाम की एक जगह है, क्या, लियोन नाम की, यहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो आपको बताना है कौन सी, वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी आया हुआ था क्वेश्चन यूपीएससी में, वेटिकन सिटी जो कि जिसका एरिया है जो है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम है, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम है। तो सारे छुटकू छुटकू देश आते हैं वो कौन से, यूरोप में ही सारे आते हैं, तो यहाँ से आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। और हाँ, रशिया और इंडिया के बीच में जो इंदिरा एक्सरसाइज होती है वो अभी हाल ही में वोल्गोग्राड नाम की जगह पे हुई थी, और ये 7th एडिशन था इंडिया और किसका, इंडिया और रशिया का, तो ये भी याद रखिएगा, एडिशन आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन नेवी अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के नेवी के साथ अभी मल्टीनेशनल सी कैट एक्सरसाइज करी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूएसए, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यूएसए में करी है। लेकिन 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 अगर आपसे पूछा जाए ये एक्सरसाइज हुई कहाँ है, तो ये एक्सरसाइज हुई है सिंगापुर में। बात आती है सिंगापुर की, तो सबसे ज्यादा बड़ा सोलर पावर वाला जो पार्क बनाया जाएगा सोलर पावर एनर्जी के लिए, वो सिंगापुर में बनाया जाएगा, ठीक है। मंगोलिया आपको यहाँ पे एक कंट्री देखने को मिल रही है, तो मंगोलिया जो है ये सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड की, याद रखिएगा, मंगोलिया जो है सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड की। इसके बाद आपको कजाकिस्तान सेकेंड नंबर पे आता है, आजकल फर्स्ट नंबर नहीं पूछा जाता है, सेकेंड नंबर पूछा जाता है, तो कजाकिस्तान जो हो जाएगा वो सेकेंड लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की। चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए जो ये इंडियन नेवी है INS, तो ये इस तरह से कुछ दिख रही है। चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, लेकिन 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 लार्जेस्ट वॉल्केनो इंडिया का पूछा गया, इंडोनेशिया का पूछा गया है, तो जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है इंडिया, इंडोनेशिया का, उसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, माउंट मेरापी। अब ये क्वेश्चन क्यों आया न्यूज में, बेसिकली माउंट मेरापी में अभी वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, ये देखिए कुछ ऐसी सीन है, तो वॉल्केनो से याद रखिएगा, जो वॉल्केनो होती है, एक मिनट पेन का कलर इंकिंग, जो वॉल्केनो होती है, वॉल्केनो जहां से, वॉल्केनो इरप्ट इसलिए होती है क्योंकि जब नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है तो लावा के फॉर्म में जो लावा निकल के आती है बाहर इस कुछ इस तरह के फॉर्म में, तो उसको कहते हैं वॉल्केनो, ठीक है। लेकिन जो इसका ये मुंह है जहां से वॉल्केनो जो लावा इस फॉर्म में निकल के आ रही है, इसको कहते हैं क्रैटर, ठीक है, क्रैटर,
क्या कहते हैं, क्रेटर। लेकिन जब ये जो मुहाना है इसका जब बड़ा होने लगता है तो इसको क्या कहते हैं, कैल्डेरा। ठीक है, कैल्डेरा। और इसके बाद ये जो यहाँ से ये ऐसे आती है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो वाटर वेपर की मात्रा होती है, वाटर वेपर की मात्रा ये सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वॉल्केनो में वाटर वेपर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और उसके छोटे मुहाने को क्रेटर बोलते हैं, उसके बड़े मुहाने को कैल्डेरा बोलते हैं। और प्रेशर जब नीचे हाई होता है तो लावा के फॉर्म में जब जो रॉक्स जो लिक्विड इरप्ट होता है उसको हम वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया से आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता जो है वो कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, वो जावा आइलैंड पे लोकेटेड है। और बेसिकली जावा जो है, कहा जा रहा है जावा आइलैंड जो है वो बहुत तेजी से डूबने वाला क्या है, आइलैंड है। तो इसलिए इसका जो कैपिटल है ये आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और इसके बाद इसको जो जकार्ता, ये इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये याद रखना है आपको, कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट किया गया है। क्या नाम है, ईस्ट काली मंथन। ठीक है, ईस्ट काली मंथन। तो यहां से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में कौन, किसने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पूसा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में अभी सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक क्या उसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो किसने किया आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। ठीक है, अब बेसिकली ये होता क्या है, नेशनल जीन बैंक जो होता है NGB, ठीक है, NGB, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे सीड्स को, जितनी भी न्यू वेराइटीज़ की सीड्स होती हैं इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, इन केस फ्यूचर में कोई भी आपदा आए तो ये सीड्स प्रिजर्व रहें, यहाँ से हम नई एग्रीकल्चर की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये नेशनल जीन बैंक बनाया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है नरेंद्र सिंह तोमर जी कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पूसा। अब जगह भी पूछा जा सकता है न्यू दिल्ली में कहाँ, तो ये पूसा नाम की जगह पे किया गया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज अ स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी। ये पूछा जा रहा है HAL की जो एक एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर आपको बैंगलोर में देखने को मिलता है। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, अब बैंगलोर जो है कर्नाटका का कैपिटल है, कर्नाटका में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे कैंपेगौड़ा किसके कर्नाटका के फाउंडर थे। इसलिए यहाँ के जो CM थे, इन्होंने अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, इसको इन साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी साइट्स, 42 ऐसे साइट्स बनाए जाएंगे जिससे इसे प्रिजर्व किया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में UP गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या, एक ट्रेनिंग सेंटर फॉर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS कमांडो का सेंटर बनाने के लिए, तो ये कौन सी सिटी में बनाने के लिए इन्होंने कहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देवबंद। ठीक है, देवबंद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आती है यूपी की, तो यूपी के CM आपको पता है कि योगी जी हैं। ठीक है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। राज्यसभा सीट जो है ये कितनी है, 31 है। लोकसभा सीट जो कितनी है, यहाँ पे 80 देखने को आपको मिलती है। इसके बाद आपको ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे अयोध्या है, अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब यूपी की जो कैपिटल है वो कौन है, लखनऊ है। क्या है, लखनऊ है, और इसको नवाबों का शहर भी बोला जाता है, चिकनकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर यूपी का पूछा जाए राजकीय वृक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, अशोक का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, अशोक का वृक्ष। और नेशनल स्टेट फ्लावर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, पलाश हो जाएगा। ठीक है, पलाश हो जाएगा। और अगर यहाँ से स्टेट
वर्ड पूछा जाए तो सारस या क्रॉच हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की है योगी जी ने, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, किस लिए, कोई भी शिकायत किसी को हो तो इस पोर्टल पे जाके सीधे सीएम से डायरेक्ट आप वहां से शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पे लखनऊ में बीआर अंबेडकर मेमोरियल बनाया गया है, मंडुआ रेलवे स्टेशन जो कि बनारस वाराणसी में लोकेटेड है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, फिल्म सिटी, पहली फिल्म सिटी कहाँ पे बनेगी, तो ये नोएडा में बनेगी। नोएडा में ही आपको जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है, देखने को मिलता है। और यूपी पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखने को मिलता है। आपको ये भी याद रखना है कि वाराणसी में, ठीक है, क्या वाराणसी में एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम रुद्राक्ष के नाम पे रखा गया है। क्या रुद्राक्ष के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह होंगी, इसलिए ये नाम मत भूल जाना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अलीगढ़ जो है, अलीगढ़, इसका नाम बदल के हरिगढ़ रखने का प्रस्तावना पारित हो गया है, ठीक है, इसका नाम हरिगढ़ रख दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पीलीभीत नेशनल पार्क आपको देखने, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है, जिसको T-2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था हाल ही में, अभी किसी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। मैनचेस्टर ऑफ अगर यूपी पूछा जाए, मैनचेस्टर ऑफ यूपी पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। और अभी कानपुर के लेदर, यहाँ पे एक लेदर पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है, कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। तो यूपी से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडिया 69th चेस ग्रैंड मास्टर, ठीक है। अब यहाँ से इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हर्षित राजा जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट कौन, चेस मास्टर जो कि अमेरिकन इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। और आपको याद रखना है, ये देखिए फोटो में कौन है, हर्षित राजा जी हैं, वो 69th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, आपको याद रखना है, विश्वनाथन आनंद। और ये इनको पहले भारतीय खेल रत्न से भी नवाजा गया था, और इनकी बुक का नाम माइंड मास्टर है, इसको खा मत जाइयो, माइंड मास्टर जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड द नेम इट्स जिम्नासियम इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी हॉल आफ्टर 2 times ओलंपिक मेडलिस्ट विच प्लेयर। हाल ही में अभी जम्मू यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि जो इनके स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इनका, इनकी जो यूनिवर्सिटी का नाम है, किसके नाम पे रखा जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा PV Sindhu, ठीक है। इनको सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी याद रखिएगा। और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो हमारे इंडिया के उसमें आए हैं कितने हैं, 7 हैं। और इसके बाद अब पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत होने वाली है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में INS ताबर मतलब इंडियन नेवल शिप ताबर अंडरटुक द एनुअल बायलेटरल ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन विल बी योर राइट आंसर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन। अब आपको याद रखना है, वॉशिंगटन जो है ये 51st नंबर का स्टेट, अभी प्रस्तावना इसको दिया गया है, बना नहीं है, ठीक है। 50 स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, 51st स्टेट Washington DC को किया जाएगा। Washington DC में आपको IMF की हेडक्वार्टर मिलती है और वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर मिलती है, जो कि दोनों को ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको मैं मैप में कुछ दिखाना चाहूंगी, क्या आपको दिखाना चाहूंगी,
ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन आपको ये जो पूरी, ये पूरा जो ये पोर्शन है, इसको यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि यूके जो है ये चार चार कंट्रीज, स्कॉटलैंड, इसके बाद कौन सा है, इंग्लैंड, वेल्स और इसके बाद ब्रिटेन, ठीक है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ब्रिटेन और इसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सबको मिला के इसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। यहीं पे आपको इंग्लिश चैनल की लोकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। इंग्लिश चैनल जो कि, अब ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश चैनल जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में आपको लोकेशन देखने को मिलती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंदन, और यहाँ नीचे कौन सी कंट्री है, फ्रांस, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे फ्रांस की लोकेशन आपको देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांस और मोरक्को के बीच में कौन सा स्ट्रेट देखने को मिलता है, तो आप बताओगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। याद रखिएगा यहाँ पे सेल्टिक सी आपको देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे कौन सा ये वाटर बॉडी है, तो ये है अटलांटिक वाटर बॉडी, ठीक है, अटलांटिक ओशन। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन सिटी बिकेम द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आउट ऑफ द 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड इन 2020? अब रिपोर्ट किसने जारी किया, ये ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, तो ये हो जाएगा सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। पहला मैंने बताया था आपको कौन सा था, काठमांडू था, जो कि नेपाल का कैपिटल है। चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NDA has been established in a which year? तो आपको बताना है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1954 will be your right answer, ठीक है। अब NDA से बात आती है, तो NDA का जो हेड, मतलब NDA का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो है वो देहरादून में आपको बनाया गया है। इसका ट्रेनिंग सेंटर देहरादून किसकी कैपिटल है, तो उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड में नए CM नियुक्त हुए हैं, कौन, पुष्कर धामी जी, ठीक है, पुष्कर धामी जी। यहाँ पे एक दिन की CM कौन, सृष्टि गोस्वामी, याद रखिएगा सृष्टि गोस्वामी। और यहाँ पे लाइकेन पार्क आपको देखने को मिलता है, लाइकेन पार्क, ठीक है। यहीं पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, जिसका पहला नाम पहले क्या था, हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। और इसके बाद आपको यहीं पे ही क्रिप्टोगैमिक पार्क अभी बनाया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन भी आपको देखने को मिलती है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए चमोली नाम की एक जगह मिल रही है, अभी हाल ही में यहाँ पे एक आपदा आई थी, यहाँ पे एक हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो था ये तहस नहस हो गया था। तो याद रखना है कि चमोली जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस VB नागरत्ना इज पॉइज्ड टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2027 में पहली बार ऐसा होगा कि कोई भारत पहली महिला जो है वो चीफ जस्टिस के रूप में काम करेंगी, ठीक है। अब चीफ जस्टिस के देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट होता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कितना होता है, 114 आर्टिकल में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और हाई कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 217 आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद मणिपुरी लैंग्वेज डे जो है इम्फाल में अभी कौन से डेट को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 20 अगस्त हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है 20 अगस्त है। इसके बाद मणिपुर से याद रखना है आपको, मणिपुर में लोकतक लेक आपको मिलता है, लोकतक लेक, इसी पे किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, मणिपुर से ही आपको याद रखना है कि मीराबाई शानू यहीं से बिलोंग करती हैं, और जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में पहली सिल्वर मेडलिस्ट थी। और इसके बाद यहीं पे मैरी कॉम का भी जन्म स्थान है। इसके बाद मणिपुर से आपको याद रखना है कि मणिपुर के जो
सीएम है वो एन बीरेन सिंह जी हैं, ठीक है, एन बीरेन सिंह जी हैं। और यहाँ से ही देख लीजिए बॉर्डर का किसका किसका लगता है, तो असम का बॉर्डर लगता है, नागालैंड का बॉर्डर लगता है, मिजोरम का बॉर्डर लगता है, किसी कंट्री का बॉर्डर लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ये म्यांमार का बॉर्डर लगता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज अनाउंस्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ जियो मामी फिल्म फेस्टिवल। तो इसके पहले बता दूं कि दीपिका पादुकोण जो थी ये थी जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की क्या चेयरपर्सन, लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा जोन हो गई हैं, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है फिर भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट वुड कंटिन्यू टू स्पॉन्सर द मेन्स एंड वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम फॉर अनदर 10 ईयर आफ्टर द करंट स्पॉन्सरशिप एंड्स इन 2023। आपको पता है कि हॉकी टीम को, मेन और वुमेन हॉकी टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा था, ओडिशा गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है, तो इसका 2023 में स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगा, तो आपको बताना है कि अब कौन सा स्टेट करेगा, तो अगेन ओडिशा विल बी द राइट आंसर। फिर से नवीन पटनायक जी जो कि ओडिशा के सीएम हैं वो फिर से स्पॉन्सर करेंगे। अब हॉकी टीम की बात आती है तो मेन हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं वो गुरप्रीत सिंह जी हैं, और ये हमारी हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी अभी टोक्यो ओलंपिक्स में, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो फीमेल की कैप्टन है मनप्रीत सिंह जी हैं, ठीक है, और इसके बाद ओडिशा की बात आती है तो ओडिशा की जो कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर हो जाएगी, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर हो जाएगी। और यहाँ पे पुरी नाम की एक जगह मिलती है जिसको क्लीन टैप वाटर स्कीम, मतलब क्लीन टैप वाटर देने की सुविधा पुरी को दिया गया है, ठीक है। अब ओडिशा से आपको ये भी याद रखना है कि अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था किसको, नवीन पटनायक जी को, क्योंकि अभी कोविड में इन्होंने बहुत ज़्यादा एनिमल्स के लिए काम किया था। ओडिशा के कॉस्ट को क्या कहते हैं, तो इसके कॉस्ट को उत्कल कॉस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्कल कॉस्ट कहते हैं। और यहाँ पे पोर्ट एक देखने को मिलता है जिसका नाम है पारादीप पोर्ट, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली द स्टैचू ऑफ डैश वॉज इंस्टॉल्ड इन 2019 वैंडलाइज्ड बाई अ मेंबर ऑफ रेडिकल आउटफिट तहरीक ई लबाइक पाकिस्तान TLP अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एट द लाहौर फोर्ट इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। तो अभी हाल ही में कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे जिनका स्टैचू अभी तोड़ के गिरा दिया गया है, किसके द्वारा, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तहरीकी लबादी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह जी का फोर्ट स्टैचू जो है जो कि लाहौर फोर्ट में लोकेटेड था, बना था, उसको तोड़ के गिरा दिया गया है, ठीक है। डांसिंग डेयर ऑफ मणिपुर इज केप्ट इन IUCN विच लिस्ट। तो आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंडेंजर्ड लिस्ट में इसको रखा गया है। IUCN की जो क्या बोलते हैं उसको, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये बेसिकली फ्लोरा और फौना को कंजर्व करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यही इसको जो लिस्ट होती है जब भी कोई चीज़ एक्सटेंट होने वाली होती है या किसी चीज़ की खत्म होने की खतरे की घंटी लगती है, तो ये इसके अपने लिस्ट में इसको शामिल कर लिया जाता है जिससे कि उसको कोई हार्म ना कर सके, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सोशल जस्टिस मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 127। बेसिकली ये बिल, इसलिए 127th बिल, देखिए अमेंडमेंट नहीं लिखा है, बिल लिखा हुआ है, ठीक है, अभी पूरी तरीके से अभी ये बिल पारित हो गया है, लेकिन जब ये बिल एक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे, आपको पता है। लेकिन ये बिल है क्या, ये 127th बिल जो है बेसिकली यहाँ पे हम जो हमारी पार्लियामेंट है इसमें अब डिसाइड किया जाएगा कि OBC वाले कैटेगरी में किसको रखा जाए, जैसे मराठी लोग हो गए मराठा, या फिर
ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिसको कौन सी लिस्ट में रखा जाए ये डिसाइड नहीं हो पाता है, तो उस सिलसिले में ये बिल जो है वो पास किया गया है। इतना याद रखिएगा, सिंपल सा वो है। रिसेंटली विच एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिमूव द इनर लाइन परमिट फॉर इंडियन नेशनल्स हु सीक टू विजिट प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ यूनियन टेरिटरी। लद्दाख में सबसे पहले लद्दाख वाले एरिया में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था वहाँ के गवर्नर से, ठीक है। वहाँ के अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए हैं, कौन है, लद्दाख के आर के माथुर और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। तो पहले इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था, जैसे कि वहाँ पे बेसिकली जो LEC वाला लाइन है और LOC वाला लाइन है वहाँ पे बेसिकली खतरा बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए जिसको भी विजिट करना हो एरिया पहले इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था। अब इस चीज़ को पूरी तरीके से हटा दिया गया है और लद्दाख जो है इसने हटा दिया है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख। अब उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम बताना है, तो इसका इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, मतलब तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, हैदराबाद से, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये 2 times ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इस बार ब्रॉन्ज मेडल उनके हाथ में आया है, ठीक है। और इनके नाम पे हाईवेज वगैरह भी, रोड्स वगैरह भी बनाए जाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्ट किया है, कहाँ, ईस्टर्न लद्दाख में। तो आपको बताना है कि कौन से पास पे लोकेट किया गया है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा उमलिंगा पास पे इन्होंने वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड बनाया है, ठीक है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली GSAT-1 सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो, ठीक है। GSAT-1 सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो, व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज अदर नेम, इसको दूसरे नाम से, इसका दूसरा नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई इन द स्काई नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि इसरो जो है इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और इसके पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई जी हैं, और अभी जो फिलहाल में इसके चेयरमैन हैं वो के सिवान जी हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये सैटेलाइट्स वगैरह होती है लॉन्च कहाँ से की जाती हैं, तो ये तारापुर नाम की जगह से जो कि ओडिशा में लोकेटेड है यहाँ से लॉन्च की जाती हैं। उड़ीसा से ही आपको याद रखना है कि उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान। ये कौन से राज्य, सबसे पहले कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है, तो याद रखना है आपको यूपी स्टेट ने लॉन्च किया है। अब आप सोचोगे कि यूपी ने लॉन्च किया है तो योगी जी ने पक्का लॉन्च किया होगा, लेकिन इसमें योगी जी नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाना चाहिए, नन ऑफ दीज। लेकिन आप बिल्कुल तरीके से गलत हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, JP नड्डा जी ने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी वॉलेंटियरली इन्वॉल्व होना चाहता है इस अभियान में तो इस अभियान में शामिल हो सकता है। यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग गांव में, अलग अलग विलेजेस में जाके लोगों को अवेयर करना है कि कोविड का टीका लगवाने से, कोविड वैक्सीनेशन करवाने से क्या क्या फायदे हैं और भी सारी चीज़ें। इसमें करीबन लैक्स ऑफ वॉलेंटियर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बीच में मैंने जितने क्वेश्चंस पूछे थे उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन टाटा, बाय बाय।